आपकी आवाज हमारा संकल्प 2014 के लिए यह है कांग्रेस का घोषणा पत्र। 52 पन्नों का है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कहा है कि पहली बार है कि इतना लंबा चौड़ा सा घोषणा पत्र हो, इसीलिए हम आपका काम आसान करेंगे। श्वेत पत्र में आज इस घोषणा पत्र का सार आपके सामने। पिछले साल चार राज्यों के नतीजों में मिले झटके के बाद राहुल गांधी को जनता की आवाज की ताकत का आभास हुआ था, इसीलिए वादों का पिटारा पिरोने की जरूरत पड़ी तो आम लोगों के हाथों का सहारा लिया, गली गली घूमे, उम्मीदों को समझा। जिस प्रकार से आपकी आवाज उस मैनिफेस्टो में घुसनी चाहिए, और सिर्फ आपकी नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता की। चार महीने, 27 जगह, हजारों लोग, कई सौ सुझाव से उपजा ये घोषणा पत्र। Months ago, the Congress party decided to make its manifesto in a completely different way. We decided that instead of making the manifesto in closed rooms, we were going to take the discussion to the people of India, and we would ask the people of India what they thought. You saw in the movie many interactions with me, but in fact there were many, many, many interactions with leaders of the Congress party, with senior leaders of the Congress party and the common man, business, poor people, coolies, laborers, women, and we asked all of them what they would like to put in this manifesto. So the manifesto that we have here is truly the voice of the people of this country. बावन पन्नों के घोषणा पत्र से पहले चला 6 मिनट का चलचित्र। नायक एक ही था, राहुल गांधी। लेकिन मंच पर मौजूद स्टार कास्ट ने उपलब्धियां भी गिनाई, उम्मीदें भी दोहराई। इट्स अ यूनिक डे व्हेन द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू रीकमिट ऑल of us to a new vision, a vision for an inclusive society, a rapidly expanding economy in which growth benefits all sections of our society, and that in the process we generate lot more new jobs to provide to the young people of our country. यूपीए सरकार जनता को दिए अधिकारों पर सबसे अधिक पीठ थपथपाती रही और अधिकारों की फेहरिस्त 2014 के लिए और लंबी कर दी गई है। अधिकार रोजगार का, अधिकार स्वास्थ्य का, अधिकार पेंशन का, अधिकार घर का। कांग्रेस पार्टी ने इस बार के घोषणा पत्र में अनेक क्षेत्रों में बिल्कुल नई पहल की है। इसमें हमने सभी देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार का वादा किया है, जिससे सबकी सेहत की देखभाल एक सच्चाई बनकर सामने आए। कांग्रेस पार्टी सभी भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवास के अधिकार का भी दावा कर रही है। संकल्प है कि हम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रम का विस्तार करते हुए आर्थिक विकास की दर को फिर तेजी से वापस लाएंगे, जिससे हमारे युवा वर्ग की उम्मीदें और अपेक्षाएं पूरी हो। हम सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को एक बड़े पैमाने पर विस्तार देना चाहते हैं। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग भाई बहनों को एक विस्तृत पेंशन सुरक्षा का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों की भलाई और समाज के कमजोर वर्गों के
सशक्तिकरण के लिए कई नए कार्यक्रम का संकल्प ले रही है। ये घोषणा पत्र लुभावन है। शहरों में झुग्गियों की जगह 2017 तक पक्के मकानों का वादा है। सबको मकान, सबको पेंशन, सबको दवा का ऐलान है। निशाना किस पर है ये साफ है। इस घोषणा पत्र में किए गए वादों के जरिए कांग्रेस की कोशिश है उस वर्ग को लुभाने की जिसे शहरी गरीब कहा जाता है। इनकी आबादी 70 करोड़ की है। न तो गरीबी रेखा के नीचे हैं और न ही मध्यम वर्ग है, यानी उनके बीच का वर्ग, और ये बहुत बड़ा वर्ग है। अगर इस वर्ग को लुभा लिया जाए तो कांग्रेस के पास एक ऐसा वोट बैंक होगा जिसके आधार पर वो 2014 के चुनावों में जीत की उम्मीद कर सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकती। पहला लगता है आपको, क्या कांग्रेस सरकार कर पाएगी? कांग्रेस सरकार कभी नहीं कर पाएगी। और 10 साल से काम कर रहे हैं, कुछ आपको मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो क्या लगता है जो घोषणाएं हैं जो उन्होंने, वो झूठा है? जब तक देखा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और जिस टाइम भी इलेक्शन होते हैं उस टाइम भी घोषणा पत्रों के अंदर लिखा जाता है ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हम लोग उसके पीछे चलना शुरू करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो रिजल्ट सामने आया नहीं। वादे और भी हैं। 10 लाख की आबादी वाले शहरों में हाई स्पीड ट्रेन चलाने का वादा है। बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को एक विस्तृत पेंशन सुरक्षा का वादा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का वादा है। ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में गरमा सकता है। इसमें एससी एसटी तबके के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण का वादा किया गया है। देश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी एसटी और ओबीसी के लिए 49.5% आरक्षण पहले से ही लागू है। ताजा ऐलान में बहस के आसार है। उन्होंने बात कही है साहब कि हम एससी एसटी और ओबीसी को इंपावर करेंगे और उसके लिए स्कॉलरशिप कितना देंगे? 1000 एनुअल स्कॉलरशिप। क्या बात है। 2G स्कैम में लूटे गए 1,76,000 करोड़, कोलगेट में लूटे 1,86,000 करोड़, और आज के घोषणा पत्र में इंपावर टू एससी एसटी ओबीसी 1000 एनुअल ओवरसीज स्कॉलरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ वाउचर्स ऑफ ₹10,000 टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। अब इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की संख्या कितनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो देश की आबादी का बहुत बड़ा सब्सटेंशियल पार्ट। यूपीए की सबसे ज्यादा छीछा लेदर भ्रष्टाचार को लेकर हुई थी। सो जिक्र भ्रष्टाचार का भी है। इससे निपटने के खास उपायों और विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की घोषणा की गई है। विरोधियों को ये घोषणा पत्र कम, अपनी गलतियों को छुपाने का रास्ता अधिक दिख रहा है। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, ये धोखा पत्र है। ये पहली बात, जो सरकार 10 सालों तक सत्ता में रहती है तो घोषणा पत्र की जब होता है तो उसमें कुछ उपलब्धियां बताई जाती हैं। उपलब्धियों के नाम पर जीरो और नाकामियों में ये हीरो हैं। आज जो है वो घोषणा पत्र किस बात का? आपने राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, राइट टू फूड की बात करते हैं, राइट टू फला की बात करते हैं। अरे सबसे बड़ा जो आपने अधिकार दिया है वो राइट टू करप्शन है। अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को जनधन की लूट की को 100% छूट दी, उसके बारे में बताते हो तो इसलिए बेहतर होता है। इसको घोषणा पत्र कहने के बजाय घोटाला पत्र कहा जाता, क्योंकि घोटालों के घंटाघर पर खड़े होकर के घोटाला पत्र बन सकता है, घोषणा पत्र नहीं। इस दफा चुनावों में फर्स्ट टाइम वोटर्स की फौज खड़ी है। इन्हें साथ ले लिया तो बड़ी समस्या हल हो सकती है। आर्थिक उठापटक के दौर में भविष्य को साथ करने का तरीका एक ही है, भविष्य के लिए एक ठोस योजना दी जाए। सो मैनिफेस्टो में बढ़ चढ़ कर रोजगार का जिक्र है। सरकारी नौकरियों में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। 2020 तक 10 करोड़ नए रोजगार के सृजन का वादा है। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 61, 66, 68 एनडीए के सरकार के 6 साल में 6,07,00,000 जॉब्स आए। यूपीए के 2004 से 12 तक की सरकार में 1,54,00,000 जॉब्स आए और शुरू के 5 साल में सिर्फ 27,00,000 आए। तो 6,07,00,000 एनडीए के 5-6 साल,
इनके 8 साल में 1,54,00,000, शुरू के 5 साल में 27,00,000 और आज वादा कर रहे हैं कि 10 करोड़ नए जॉब बनाएंगे। घोषणा पत्र में रोजगार को कानूनी अधिकार के दायरे में लाने का वादा भी किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को भी इस श्रेणी में लाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान को उच्च शिक्षा अभियान बनाने का वादा भी है। 20 साल तक कब्जे वाली जमीन पर मालिकाना हक दिलवाने का ऐलान है। 2014 का घोषणा पत्र जारी करते हुए ये दावा किया गया कि 2009 के मैनिफेस्टो में किए गए 90% वादे पूरे किए गए थे। नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर वक्त वक्त पर ताने मारते हैं कि देश को एक्ट नहीं एक्शन चाहिए। कांग्रेस का कहना था कि एक्ट भी आए हैं, एक्शन भी हुआ है। चुनाव है इसकी वजह से कह रहे हैं, वैसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये चुनाव आई है तो इन्हें ध्यान आ रही है, इतने 10 साल से सरकार चला रही है, जब से ध्यान तो आया नहीं है। नहीं नहीं, जब जब इलेक्शन आते हैं हिंदुस्तान में तब तक सारी पार्टियां वादे करती हैं लेकिन कोई पूरा नहीं करता है। आज 10,000 कमा के भी पूरा नहीं हो रहा है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, खाली वादे सारी पार्टियां करती है लेकिन पूरा कोई नहीं करता है। वो सिर्फ खाली अपना पेट भरने के लिए सब वादे करती है, बाकी आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। 52 पन्नों के घोषणा पत्र में और भी बहुत कुछ है, लेकिन जरूरत है कि 2009 में किए गए वादों के पैमाने पर इसे तोला जाए। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर सामने आई थी तो उसने कहा था कि पिछले चुनावों में जो वादे किए गए थे उसमें से 80% उसने पूरे किए। इस दफा जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें कहा गया कि 90% वादे पूरे किए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वादों को निभाया गया था क्या। The undetected assets held by Indians abroad has been a matter of intense debate recently. We have come out with a white paper on black money to inform this debate and help create a more effective policy response to redress this issue. प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे उसी दौर में काला धन वापस लाने की बातें कही जाने लगी थी, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई कदम नहीं उठाया गया। अब 16वीं लोकसभा में कांग्रेस काले धन के मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल कर रही है। सोनिया गांधी के खिलाफ जो कि भ्रष्टाचार की सरगना है, यूपीए 102 ने जो घोटालों का, काले धन का और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है उससे भारत शर्मसार है पूरी दुनिया के सामने। और उन तमाम घोटालों की, भ्रष्टाचार की और जो लाखों करोड़ का काला धन जमा हुआ है उसकी नैतिक और राजनैतिक जिम्मेदारी आदरणीय सोनिया गांधी जी की है। जो करप्शन के बारे में बोल रहे हैं आप, करप्शन तो ठीक है, उसको हटाने के लिए कांग्रेस अगर सही एक्शन लेता है तो बहुत अच्छा है, और अगर झोपड़पट्टी हटा के कोई पक्का मकान करता है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम है, उसके लिए आम जनता भी बहुत अप्रिशिएट करेगा। अभी इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ही कम है, लाइक जिन लोगों को जॉब जैसा मिलना चाहिए उन लोगों को वो नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ है, और मिल भी रहा है तो उन लोगों के क्वालिफिकेशन के मुताबिक नहीं मिल रहा है, और करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था सुशासन संकल्प, भाजपा विकल्प। कांग्रेस ने इस दफा जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें सबसे पहले कह दिया कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कच्चा चिट्ठा भी खोला गया है, और साथ ही वो सारे ऐतिहासिक कानून गिनाए गए हैं जो यूपीए के शासनकाल में सामने आए थे। और फिर शुरू होता है वादों का जो पूरा लिस्ट है, वादों की जो पूरी लिस्ट है, वादों की फहरिस्त है, वो सामने आती है। अब ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा कि सत्ता में कौन आता है, वादा निभाने का मौका किसे मिलता है। लेकिन श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।